मांग लीजिए। मैं उससे मुआफी मांगू, मैं उससे मुआफी मांगू। अरे मैं बादशाह हूं, ब्रिटेन का अजीम बादशाह, और मैं उससे माफी मांगू। अगर मांगना ही है तो मैं तुमसे मांगता हूं, सर छिपाने के लिए छत और जिंदगी गुजारने के लिए दो वक्त की रोटी। बंद करें अपना नाटक, आपकी उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता, आप वापस लौट जाइए। हरगिज़ नहीं, उसने मेरे साथी हटा दिए, आंख दिखाई मुझे भरी महफिल में, बदतमीजी करी मेरे साथ। मैं उसको सिर्फ बद्दुआ दे सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता, वो लंगड़ी हो जाए। आपको शर्म नहीं आती अपनी औलाद के बारे में ऐसी बातें करते हुए? मुझे पूरा यकीन है आज मेरी बहन को बद्दुआ दे रहे हैं। ये कुछ पल मेरे साथ रहे तो मैं भी इनके बद्दुआ का शिकार होता हूँ। नहीं नहीं मेरी प्यारी बेटी रेगन, तुम मुझे गलत समझ रही। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मैं तुमको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पर मुझे एक बात बेहद अजीब लगी, बेहद अजीब। मेरे खादिम को किसने कैद किया? लगता है तुम्हारी बहन आ गई है। उसने खत में जिक्र किया था कि वो जल्द पहुंच जाएगी। क्या तुम्हारी मालकिन आ गई? जी, जैसा नमक हराम ये है वैसी ही इसकी मालकिन भी। मुझे तो घिन आती है अपने खून पर जो ऐसी औलाद मिली। रेगन, तुम क्या इससे गले मिलना चाहती हो, इससे हाथ मिलाना चाहती हो? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है तुम्हें मुझसे हाथ नहीं मिलाती? मैं पूछता हूँ, किसने मेरे खादिम को बेड़ियों में जकड़ा? माने हुजूर, मैंने जकड़ा इस मस्तूर को बेड़ियों में, जिसका मिजाज उसके अपने मालिक की तरह। तो क्या ये काम तुम्हारा है? इसके साथ लौट जाऊं मैं, इसके साथ? और वो दोनों यहां से चले गए और मेरे खबरी को वापस नहीं भेजा। मैंने कहा था ना बादशाह लियर को गुलाम का सलाम। ये क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? हुजूर, आपकी बेटी और दामाद ने ये हश्र किया है मेरा। नहीं, वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, मेरी तौहीन है ये। सच बताओ, ऐसा क्या गुनाह किया है तुमने जो इस सजा के हकदार हुए, या फिर तुम्हें बेगुनाह ही कैद किया गया? हुजूर, मैं तो पैगाम लेकर आ रहा था और इज्जत में नजरें भी चुकाया हुआ था हुजूर। तब तक मुझे गिरता पड़ता ऑसवाल्ड आते हुए दिख गया। उसे देखकर मेरा गुस्सा बेकाबू हो गया तो मैंने उस पर तलवार तान ली। वो इतना चिल्लाने लगा कि पूरे घर को सिर पे उठा लिया। हुजूर, ये बात आपके बेटी और दामाद को नागवार गुजरी और उन्होंने मुझे कैद कर दिया। क्या हो रहा, मेरी बेटी रेगन कहाँ? हुजूर, वो बादशाह सलामत के साथ अंदर है। ठीक, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, मुझे अकेले जाने दो। रुको सब यहीं पर। तो क्या जो कुछ तुमने बताया उसके अलावा तुमने कुछ नहीं करा? कुछ नहीं किया, लेकिन बादशाह सलामत के साथ इतने कम लोग क्यों आए, कोई खास वजह? वैसे तो हमें बेवकूफ के नाम से जाना जाता है, पर लगता है सबको ये आदाब बेहद पसंद आ गया है। देखो देखो, तुम भी बेवकूफ बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। मतलब अर्ज किया है, हजरात हजरात हजरात, जो मदार मत समझो उसको। वाह वाह वाह, आंधी पानी आएगा छोड़ भागेगा तुमको। हम वहीं जाएंगे, हम वहीं जाएंगे, अरे हम वहीं जाएंगे आगे, और अकलमंद भाग जाएगा। बेवकूफ अगर मालिक को छोड़ भागे, ए थोड़ा कम खाया करो, तो बेईमान वो कहलाएगा। बड़े जवाब हो तुम दोनों, कहां से सीखा ये सब? बेशक बेड़ियों में तो नहीं सीखा होगा। चलो चलो।